हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये कहानी है उस दिन की जब मैं मेरे काम से पक चुका था और मुझे कहीं पहाड़ों और समुद्र में रील बनाने जाना था। पर तुम अब यहाँ आ गए हो तो ये व्लॉग देख लो। पहले प्लेन लेना है, फिर ऑटो रिक्शा। मेरा प्लेन 5 मिनट लेट हुआ है, जो कि ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी ट्रेन स्टेशन पे वेट करूंगा। ओ देखो, मेरा प्लेन आ गया। तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ के पहले गेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेजेंड निकोला टेस्ला बॉर्न है। अब ये दमदार हवाई सफर होने के बाद बारी है मेरी ऑटो रिक्शा में जाने की, और इस सफर में मेरे साथ है मेरे जाने माने दो अजनबी। न्यूटन ने अपने फोर्थ लॉ में कहा है कि नाम में क्या रखा है, तो इसीलिए हम इनको विन डीजल बुलाएंगे, क्योंकि हैशटैग फैमिली मैटर्स, और वैसे मुझे याद भी नहीं है। पर दूसरी तरफ ये है मार्था, जिसने मुझे कुछ साइट सीइंग की टिप्स तो दी, पर मैं सो गया। वेरी सैड। शॉर्ट अपडेट, जो हमारा ट्रैवल है वो अराउंड 10 घंटे का है और अभी रात के 11:30 बज चुके हैं। अभी हम ऑस्ट्रियन बॉर्डर पार कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट बॉर्डर के पास। तो दूसरी इंट है 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल्स में, उस टीम ने तो हमारा दिल जीत लिया था, बट उसके साथ साथ उसके प्रेसिडेंट ने भी हमारा दिल जीत लिया था। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, सी यू इन सम टाइम। फिर क्या, सुबह हो गई, सनसेट गाड़ी से देखना पड़ा और विन भाई ने एक्सेलरेटर पर जोर मारा। और पहुंच गए हम हमारे डेस्टिनेशन पे। और तीसरी हिंट तो बाकी है ना। ओके, तो तीसरी हिंट है गेम ऑफ थ्रोन्स, और मेरे पीछे तो बैकग्राउंड वही है, तो अब तो पता लग गया होगा यार। गुड मॉर्निंग इन क्रोएशिया। मैं आ चुका हूँ क्रोएशिया में। फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा है। जिस अभी मैं सिटी में आया हूँ उसका नाम है स्प्लिट, और इस सिटी को समझने के लिए इनके लोगों को, इनके कल्चर को, हमें इनकी हिस्ट्री भी समझनी होगी, थोड़ी ज्योग्राफी भी। तो इसी के साथ हम देखते हैं, घूमने चलते हैं। लेट्स सी। सुबह के 7 बज चुके हैं। 11 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं माउंटेन्स और एड्रियाटिक समुद्र में बसा हुआ सिटी ऑफ स्प्लिट में हूँ। स्प्लिट एक क्रोएशिया की सिटी है। क्रोएशिया को इनके लैंग्वेज में व्रात्स्का भी कहा जाता है। युगोस्लाविया का 1991 वॉर में बाइफर्केशन हुआ, और यहाँ से छोटे छोटे कंट्रीज जैसे कि स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, बोस्निया और क्रोएशिया, ये फॉर्म हुए। तो क्रोएशिया के पास सारा कोस्टल लाइन्स और आइलैंड्स आ गए, तो इसीलिए इनके जो सारे बिग सिटीज़ है जैसे कि स्प्लिट, ज़दर और डुब्रोवनिक, ये सारे एड्रियाटिक समुंदर के पास में बसे हुए हैं। इनके कुछ आइलैंड्स भी है जैसे कि लुकम और सिटी ऑफ डुब्रोवनिक, जिसको किंग्स लैंडिंग के भी नाम से जाना जाता है। वहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी हुई। मेरी बस अभी 6 घंटे में है और मुझे यहाँ पे टाइम पास करना है। मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पे लोग बहुत चिल दिख रहे हैं। ये एक पब्लिक प्लेस है और यहाँ पे किसी ने मास्क भी नहीं पहना है। बट इस देश के लोगों को जज करने से पहले हमें इस देश को समझना होगा, और इस देश को समझने के लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है इस देश की ज्योग्राफी एज वेल एज हिस्ट्री। पहले ये देश युगोस्लाविया करके हुआ करता था। 1980 में इनके जो डिक्टेटर थे वो कम्युनिज्म फॉलो करते थे, और जिनका नाम था टीटो। मार्शल टीटो, द कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ युगोस्लाविया, अराइव्स इन न्यू दिल्ली आफ्टर अ 680 माइल जर्नी फ्रॉम बॉम्बे। द मार्शल इज हियर टू मीट सेवरल ऑफ इंडियाज लीडिंग मिनिस्टर्स फॉर टॉक्स व्हिच एम टू ब्रिंग अबाउट क्लियरर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। With Mr. Nehru, India's Prime Minister, Marshal Tito issues a statement following their talks, denying that they intend to form a third bloc between East and West. Slovenia, Macedonia, Croatia, Bosnia, ऐसे छोटे-छोटे states मिलाके ये एक देश हुआ करता था, जिसका नाम था
यूगोस्लाविया। तो ये जो थे वो डिफरेंट स्टेट्स होने के कारण यहाँ पे लोगों के बिलीव्स डिफरेंट थे, लोगों की एथनिसिटी डिफरेंट थी और लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट ही थी। तो इसीलिए यहाँ पे कई जगह मुस्लिम पॉपुलैरिटी थी तो कई जगह क्रिश्चियन। इसी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को लीड कर रहे थे उनके लीडर टीटो। तो इन्होंने 1980 तक नेशनलिज्म को सप्रेस करके रखा था। जैसे इनकी डेथ हुई तो नेशनलिज्म अलग अलग इन छोटे छोटे देशों में उभरने लगा। तो इसी की वजह से वहाँ पे तब से हर कोई अपने अलग स्टेट्स, अपने अलग देश की मांग करने लगा। और ऐसे ही 1991 में कुछ वॉर हुए, उसी में बोस्निया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ये सब अलग अलग देश बने। यहाँ पे लैंग्वेज क्रोएशियन बोली जाती है और यहाँ की करेंसी है कूना। चलो यार, अब लोगों को जज भी तो करना है। क्या यहाँ के लोग गायतोंडी भाव की तरह भगवान में विश्वास रखते हैं या मेरी तरह सिर्फ काम होने पर भगवान के पास आते हैं? कुछ हैं हसीन और कुछ हैं जवां, कुछ चलते चलते ले रहे हैं ऊपर वाले की दुआ। कहीं दोस्ती है तो कहीं है प्यार का एतबार। चल यार, अगले डेस्टिनेशन जाना भी है इस बार। पर लोग जैसे भी हो, एक बात तो पक्की है कि यहाँ के लोग एक्सप्रेसिव बहुत है। मतलब इनके बातों में इनके गेस्चर या फिर हाथों का इस्तेमाल बहुत होता है। खैर, अब बारी है खेल की। कहते हैं कि किसी देश में खेल को तभी रिलीजन माना जाता है जब वो किसी गलियों में ना खेला जाता हो, और ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ। Okay, cool. Go ahead. Oh man! Look here, look here. Show some aggression. Modric? Modric? No? Modric. Which one is your favorite player? Ronaldo and Modric. Ronaldo and Modric, right? He is a goalkeeper. Oh, yes. He's goalkeeper. Corona disrupted you. Okay, boys. Bye bye. Bye bye. Have fun. अब बात करते हैं यहाँ के खूबसूरत आर्किटेक्चर की। दिखने में ये खूबसूरत सा आर्किटेक्चर एक्चुअली में रोमन और परोक आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। मतलब मोस्टली सब घर रेड रूफ्स और क्रीमिश कलर की बिल्डिंग्स हैं। और इसी कल्चर को एक्सप्लोर करने मैं निकल पड़ा स्प्लिट के ओल्ड टाउन। जब 17th सेंचुरी में जब लोग हुआ करते तो उनका तो कैथेड्रल, ट्रेजरी ऑफिस और पैलेसेस थे। इसका गॉथ कल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मुझे ये ऊपर का जो डोम है वो बहुत ही अच्छा लगा और दैट्स अ वेरी गुड टू सी। यहाँ पे राइट साइड में ओल्ड टाउन काइंड ऑफ, वो जो पहाड़ों पे घर बसे हुए वो पूरे ओल्ड टाउन बिल्डिंग टाइप है। और लेफ्ट साइड में जो है वो है काइंड ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिटी। और या जो यूरोप की छोटी छोटी गलियाँ है उसी को मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और ये देखो कितनी सुंदर ब्यूटीफुल छोटी छोटी गलियाँ है, लोगों के घर है, यहाँ पे हॉस्टल और होटल्स दोनों हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं एग्जैक्टली सही प्लेस पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पूरा ओल्ड टाउन है और यहाँ का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है। यही देख के मुझे फील आ रही है कि ये काइंड ऑफ ओल्ड स्प्लिट है और वहाँ पे जो आपने देखा वो पुराना नया स्प्लिट है जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ है या फिर रिनोवेट करके इन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बनाया है। तो अब वक्त हो चुका है इनके फ्ली मार्केट को विजिट करने का। यहाँ पे लोग अपनी अलग अलग चीजें प्रदर्शित कर रहे थे, जैसे कि फूल, पत्ते, सब्जी, बार्गेनिंग स्किल्स। मैंने सुपरमार्केट से कॉफी ले ली और मैं फिश मार्केट या फिर वेजिटेबल मार्केट्स को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि यूरोप में भी एक नेशन से दूसरे नेशन में कितना डिफरेंस हो सकता है। लाइक जो डेवलप्ड नेशन है उनमें सब्जी मंडी वगैरह तो दिखने को बहुत कम है। सैटरडे वगैरह एक दिन करके मार्केट होते हैं बट ऐसे सब्जी मंडी नहीं होते हैं। और यहाँ पे भी लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि भाव इंडिया में करते हैं, भाव पूछ रहे हो रहे बोले नहीं लेना है। तो लोग हर जगह वही है अपने जैसे। तो इसी के साथ मैं आप सबको अलविदा कहना चाहूंगा। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे क्यों गए थे शाहरुख खान दुब्रोवनिक, क्रोएशिया का फूड कल्चर और दुब्रोवनिक की बीचेस। तो बस जुड़े रहिए इस सफर में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है, चलो बाय।